आज तो मैं प्रीति अग्रवाल आज आप सभी को बहुत ही मजेदार चीज सिखाने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को ये सिखाने वाली हूँ कि हम इजिली अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रोटेट कैसे करते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ स्टेप्स भी नहीं है, एक दो स्टेप्स ही आप इसे इजिली लर्न कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। उसके लिए अब आपको बस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरोज की दबाना पड़ेगा। तो फिर चलिए देखते हैं। तो अभी जैसे अगर हम लोग टीचर हमें पढ़ा रही होती हैं तो फिर वो बोर्ड टेढ़ा लगती है तो हम कैसे कर पाएंगे, हमें इसकी फिक्र हो जाती है। अगर हम लैपटॉप में कर रहे होते हैं तो फिर हमें इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम बस तीन ठोकी दबाएंगे जिससे हम लोग मैम का ईजिली देख सकते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन को टेढ़ा करके। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो की दबानी है, जिस पे साइड हमें करना है हम वो वाली साइड वाली एरो की दबाएंगे। ऐसे हम ट्राई करके भी देख सकते हैं अगर हमें समझ नहीं आ रही है कि कौन सी वाली एरो की दबानी है। यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन को टेढ़ा कर लिया है। अब मैं एक बार अपने कीबोर्ड से करूँगी इसे सीधा, क्योंकि वहाँ पे ऊपर छिप चुका है। मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो की अपने कीबोर्ड की मदद से दबा रही हूँ, तो वो स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं क्योंकि वो छिप चुका है, इसलिए मैं वहाँ से दबा रही हूँ। तो आप देखिए ऐसे ही मेरे लैपटॉप का स्क्रीन फिर से उल्टा हो गया। ऐसे ही कर करके हम इसको इजिली वापस से सीधा कर सकते हैं और ये देखिए मेरे लैपटॉप का स्क्रीन सीधा हो चुका है। अब देखिए अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर हमारा बोर्ड जो बोर्ड टीचर वो करेंगे अगर वो इस साइड है तो फिर हम उसे इस साइड कैसे लाएं। तो इस साइड के लिए हमें ऑल प्लस कंट्रोल प्लस ये वाली एरो की दबानी है। हाँ तो ये देखिए हमारी स्क्रीन फिर से रेडी हो चुकी है। तो अब अगर आपका लैपटॉप टच लैपटॉप हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे इजीली दबा सकते हैं उसे। पर अगर नहीं है तो देखें हमें अपने माउस को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। हम अपने माउस को उल्टा घुमाएंगे तो वो सीधा होगा, सीधा घुमाएंगे तो वो उल्टा होगा। देखिए मतलब आप अगर अपने माउस को ऐसे सीधा वर्टिकल वे में घुमाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल वे में जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये ऐसे जाएगा सीधा, ऐसे उल्टा डायरेक्शन। अगर आप बस इतनी सी चीज़ याद रखें तो आप ये ट्रिक यूं आसानी से कर सकते हैं और ये ट्रिक आपको बहुत काम आ सकती है। जैसे आप कभी भी कुछ कर रहे हैं तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट टेढ़ा है आप उसको आपको उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है तो आप इजीली उसको सीधा कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।